कन्हैया कन्हैया सुन लो, मैं डिक्की में बुक बालाजी से लिखा है, इसको लेना ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचती है? बोर्ड कैसा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार देख ले। अच्छा, आवाज़ आती है क्या? ग्रुप में कोई मैसेज डाल दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, है ना? अरे नेट की क्लास लेते रहते हैं तो बच्चे लोग कंटिन्यू पूछते रहते हैं, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ और यहाँ पे बिजी भी रहता है, दूसरे क्लासेस बुकड है, एनवायरनमेंट की क्लास इसके बाद होगी। आ रही है सर। ओके, थैंक यू, वेलकम मैडम। हम लोग जिम्नोस्पर्म का एक मैसेज डाल देंगे क्या मैडम? गुड इवनिंग मैडम। एक मैसेज डाल देंगे क्या कि इस क्लास स्टार्ट हो गई है? वैसे ही मैं थोड़ा सा ओपन रखूँगा। एक रेड वाला देते ना, सर ले। अच्छा ये, हाँ ठीक ठीक पूरा, हाँ ठीक 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 है। फीचर्स ऑफ जिमनेस पर फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म देख रहे थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म देख रहे थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। चलो, पॉइंट पॉइंट नंबर क्या था नेक्स्ट बता सकते क्या? पॉइंट नंबर कौन सा डाला था एक बार थोड़ा सा मेरे को बता दो कि नंबर क्या डाला था, किस पॉइंट से कंप्लीट करना है, तब कि नंबर भी सही चलते रहेगा। नंबर क्या था? नंबर 11 तक हुआ था सर, ठीक है। 12 पॉइंट अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने देखे थे लीव की बात कर लिए थे, तो जिम्नोस्पर्म में आपके पास हमारे पास स्टेम थे, स्टेम ब्रांच थे पाइनस में, स्टेम ब्रांच था पाइनस में और गिंगो में। तो हुआ क्या कि
पाइनस में हमारे पास एक लॉन्ग शूट्स हुए और एक ड्वार्फ शूट्स हुए थे। तो लॉन्ग शूट्स जो है वो स्केली लीव्स को बियर कर रहे थे और जो ड्वार्फ शूट्स है वो फॉलियज लीव्स को और स्केली लीव्स दोनों को ही बियर कर रहे थे। तो पाइनस का थोड़ा स्टेम के बारे में बात हो गई थी, है ना। और अब लोग देखते हैं उस स्टेम में प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार, प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार इस कैरेक्टरिस्टिक। लीफ स्कार मतलब जहाँ से लीफ निकलना चाहिए और वहाँ पे एक दाग छोड़ दिया और एक जगह छोड़ दिया, स्पॉट छोड़ दिया स्टेम में जहाँ से लीफ निकलना चाहिए, है ना, लेकिन वो लीफ ना निकल करके लेकिन शो कर फुटप्रिंट्स टाइप के रह गए। फुटप्रिंट्स तो नहीं रहेंगे, वो लीफ प्रिंट्स हैं, तो वो लीफ स्कार कहलाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार ऑन द स्टेम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जैसे कि अगर साइकस का पौधा देखोगे तो वो एकदम स्मूथ नहीं रहता, उसमें लीफ स्कार ऐसे 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 कुछ कुछ गड्ढे गड्ढे टाइप का रहेंगे जिसका अपन लीफ स्कार बोलेंगे। यह जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहलाएगा। जिम्नोस्पर्म के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार ऑन द स्टेम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं लीव्स। लीव जो रह सकते हैं वो दो तरह के भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि इट माइट बी डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बात करी फॉलिएज लीव के बारे में, सीमा मैडम लाइव देख रही है ना। ठीक, स्केली लीव्स तो इन दोनों की बात कर लिए। ये फोटोसिंथेटिक लीफ है, यह फोटोसिंथेटिक लीफ है। कौन? फॉलिएज लीफ। फॉलिएज लीफ जो है वो फोटोसिंथेटिक लीफ है। ठीक, फोटोसिंथेटिक लीफ, फॉलिएज लीफ। और ये नीडल शेप के रहेंगे। कैसे रहेंगे? नीडल शेप के। एंड नीडल शेप। स्केली लीफ के बारे में बात किया था, दे आर ब्राउन कलर, ब्राउन कलर के होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे, है ना। देखो फॉलिएज लीफ की कहानी पाइनस में थोड़ी सी अलग टाइप की रहती है। ठीक, देखो फॉलिएज लीफ की कहानी पाइनस में। नीडल शेप जो है, नीडल शेप जिम्नोस्पर्म में लीफ दिख रहा है, ये इसके जीरोफिटिक अडेप्टेशन को इंडिकेट कर रहा है। फॉलिएज लीफ नीडल शेप है, इसका मतलब क्या है? ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए वो उस लीफ ने अपने आप को नीडल शेप बना लिया है। तो नीडल शेप होने के कारण ये इंडिकेट कर रहा है जीरोफिटिक अडेप्टेशन को। हम पढ़े थे ना कि जिम्नोस्पर्म जीरोफिटिक अडेप्टेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो यह जो लीफ नीडल शेप है वो जीरोफिटिक कंडीशन को सपोर्ट कर रहा है। और यह फॉलिएज लीफ जो है
परसिस्टेंट फॉर लॉन्ग ईयर्स, इनका कुछ नहीं हो सकता, मतलब कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ इनका, परसिस्टेंट रहते हैं फॉर सेवरल ईयर्स, देखो कहानी। जो फॉलिएज लीफ है नीडल्स के बेसिस पर, जैसे कि एक नीडल हुआ, नीडल केवल एक ही निकल रहा है, उसके बेसिस पर पाइनस में फॉलिएज लीफ पाए जा रहे हैं, तो ये फॉलिएज लीफ के हिसाब से पाइनस में अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंट नंबर ऑफ नीडल्स देखने को मिले। कैसे देखते जाओ, देखो पाइनस मोनोफाइला, पाइनस मोनोफाइला में नंबर ऑफ नीडल्स कितने हैं, नंबर ऑफ नीडल्स कितने हैं, फॉलिएज लीफ की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ नीडल्स कितने हैं, वन। पाइनस मोनोफाइलस में, मोनोफाइला में नंबर ऑफ नीडल्स कितने, वन। इस कारण से अब आपको बता दिया था कि एक ग्रुप ऑफ, इस ग्रुप को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर, याद आया, स्पर पिछले क्लास में बताया था, भूल गए, ग्रुप ऑफ लिख लो भाई, ग्रुप ऑफ नीडल्स ग्रुप ऑफ नीडल, चलो ऐसा लिखते हैं, ए ड्वार्फ शूट विथ ग्रुप ऑफ नीडल्स, ए ड्वार्फ शूट, ए ड्वार्फ शूट ग्रुप ऑफ नीडल्स में, नीडल कैसे, लाइक फ्लो फॉलिएज लीफ, फॉलिएज लीफ इज कॉल्ड स्पर, अगर मैं नंबर ऑफ नीडल्स के हिसाब से और टाइप ऑफ स्पर के हिसाब से पाइनस के डिफरेंट स्पीशीज को देखूं, तो पाइनस मोनोफाइला में नंबर ऑफ नीडल्स कितने होंगे, वन। तो टाइप ऑफ स्पर क्या कहलाएगा, टाइप ऑफ स्पर क्या कहलाएगा, मोनोफोलियर। अब देखो एक ही ग्रुप होगा ना भाई, ये ग्रुप ऑफ नीडल्स है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोफोलियर। फोटोसिंथेटिक ग्रीन कलर के रहेंगे, बात बता दिया ना, स्केली लीव्स, स्केली लीव्स जो है वो जस्ट इसके अपोजिट। तो पाइनस मोनोफाइला में नंबर ऑफ नीडल्स इज वन एंड इट इज मोनोफोलियर, इसलिए मोनोफाइला नाम रखा गया। पाइनस मार्क्यूसाई में स्पीशीज है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, यहां पे लिख लो स्पीशीज, पाइनस मार्क्यूसाई में और पाइनस साइल्वेस्ट्रिस एंड पाइनस, याद रखना पड़ेगा आपको, साइल्वेस्ट्रिस इट्स अ बाइपोलर स्ट्रक्चर, इसका लीफ कैसा रहेंगे, बाइफोलर, टाइप ऑफ स्पर इज बाइफोलर। अब आप देखो एक और स्पीशीज, पाइनस ग्रिगार्डियाना, और पाइनस इंसुलरिस, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, पाइनस
इंसुलैरिस, पाइनस ग्रिगार्डियाना, पाइनस इंसुलैरिस, आपको पता है कॉनिफरेल्स के अंदर आएंगे, बात कर लिए थे है ना, कॉनिफरेल्स के अंदर आएंगे। अब आपको आइडिया हो पा रहा है कि कॉनिफरेल्स में लीव्स दो प्रकार के हैं, स्केली लीव्स और फॉलिएज लीव्स। नीडल शेप के रहेंगे तो देखो पाइनस से कितने सारे स्पीशीज होते हैं, पाइनस मोनोफाइलिया, मोनोफाइला, नंबर ऑफ नीडल्स वन, मोनोफाइलर, पाइनस मर्क्यूसाई एंड पाइनस साइलवेस्ट्रिस, नंबर ऑफ नीडल इज टू एंड इट इज बाइपोलर, पाइनस ग्रिगार्डियन एंड पाइनस इंसुलैरिस, नंबर ऑफ नीडल इज थ्री एंड इट इज ट्राइफोलियर। फॉलिएज लीव्स कभी नहीं भूलना, देखो पाइनस क्वाड्रीफोलिया कितने होंगे, चार। टाइप ऑफ स्पर क्वाड्रीफोलियर, पांचवा पाइनस अरमांडी, पाइनस एक्सेल्सा है क्या, एक्सेल्सा, इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है पाइनस वालिचियाना, अंडरलाइन करते चलना, पेंटाफोलियर, तो पाइनस मोनोफाइला मोनोफोलियर याद करते जाओ, पाइनस मोनोफाइला मोनोफोलियर, मर्क्यूसी सेल्वेस्ट्रेस बाइफोलियर, ट्राइफ्लोरियर ग्रियार्डियाना और इंसुलारिस। क्वाड्रीफोलिया याद आ जाएगा, अरमांडी आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं पता, तो अरमांडी आप लोग याद रखना का कि डिस पेंटाफोलियर। तो टाइप ऑफ स्पर के हिसाब से स्पाइनस की इतने सारी स्पीशीज और मैक्सिमम यही पढ़ने हैं आप लोग, अगर अभी से दिमाग में लगा लोगे तो पाइनस जब पढ़ेंगे तब ये स्पीशीज दिमाग पे रहेंगे। ठीक, चलो कुछ कुछ जानकारी। पाइनस ग्रिगार्डियाना को बोलते हैं चिलगोजा पाइन, चिलगोजा पाइन। पाइनस ग्रिगार्डियाना को क्या बोलते हैं, चिलगोजा पाइन। पाइनस अरमांडीज, अरमांडीज पाइन, पाइनस इंसुलरिस को बोलते हैं अपन लोग खासी पाइन, याद रखते जाओ पाइनस इंसुलरिस खासी पाइन।
पाइनस ग्रिगार्डिया ना चिलगोजा पाइन, पाइनस अर्मांडी, अर्मांडी स्पाइन। मर्क्यूसे को बोलते हैं, नीचे लिखते जाना, नीचे आप लोग है ना अलग से। टीना सेरिम पाइन, मर्क्यूसे, ठीक है। तो पाइनस मर्क्यूसेस, टीना सीरम पाइन, टीना सेरिम पाइन, पाइनस ग्रिगार्डिया ना चिलगोजा पाइन, पाइनस ग्रिगार्डिया ना चिलगोजा पाइन, पाइनस इंसुलरिस खासी पाइन, पाइनस अर्मांडी, अर्मांडी स्पाइन, पाइनस मोनोफाइला इज मोनोफोलर, पाइनस मर्क्यूसी इज बाईफोलर, पाइनस क्वाड्रीफोलिया इज क्वाड्रीफोलियर, पाइनस ग्रिगार्डिया ना ट्राईफोलियर, और पाइनस अर्मांडी पेंटाफोलियर। एकदम इजी है ना। ग्रिगार्डियाना को चिलगोजा पाइन बोला जाता है, पाइनस इंसुलरिस को खासी पाइन बोला जाता है, पाइनस अर्मांडी को अर्मांडी पाइन बोला जाता है, पाइनस मर्क्यूसे को टीना सेरम पाइन बोला जाता है। दो स्पीशीज और लिख दो, पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस रॉक्सबर्गी को कहा जाता है चीर पाइन, इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है पाइनस लॉन्गीफोलिया। तो पाइनस लॉन्गीफोलिया जो है उसको भी चीर पाइन बोलते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गी भी आल्सो अ चीर पाइन। सिनोनिम, सिनोनिम पाइनस लॉन्गीफोलिया, पाइनस रॉक्सबर्गी, रॉक्सबर्गी का सिनोनिम। जैसे कि पाइनस एक्सेलेसा का पाइनस वालिचियाना है ना, वैसे ही पाइनस रॉक्सबर्गी का पाइनस, इसको चार्ट से अलग लिख लेना, लॉन्गीफोलिया। ओहो, साथ ही साथ सब चीज चल रहा है क्यों। चिलगोजा पाइन का नाम याद रखा होगा, चिलगोजा पाइन ग्रिगार्डियाना, चीर पाइन रॉक्सबर्गी, पाइनस अर्मांडी, अर्मांडी स्पाइन, पाइनस इंसुलरिस खासी पाइन, ठीक। याद रखे रहना है आपको टाइप ऑफ स्पर, याद रखे रहना है आपको, ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, ज़ीरोफिटिक एडाप्टेशन नीडल शेप शो कर रहा है। जल्दी से लिख लो, मैं कैसे लिख लिए होगे। ठीक, 12 मिटा रहा हूं। ये देखो, लीव्स इन सम टैक्सा, एग्जाम्पल लेते हैं इफेड्रा, इफेड्रा में ओनली स्केली लीव्स प्रेजेंट, ओनली स्केली लीव्स प्रेजेंट, फॉलिएज लीव का काम नहीं है।
ठीक, लीव्स ऑफ जिनेटम याद है, ये डाइकॉट को एंजियोस्पर्मिक को रिजेंबल कर रहा था, रिजेंबल्स दोज ऑफ डाइकॉट्स। इसका जो लीफ है वो डाइकॉट लीफ के जैसा, जिनेटम जो है वो एंजियोस्पर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा था, इस कारण से इसका लीफ डाइकॉट लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीव्स आर जो अरेंजमेंट है वो स्पाइरल अरेंजमेंट रहेगा जनरली, स्पाइरली अरेंज्ड। ठीक, रूट्स देखो, रूट्स आर डाई आर्क टू पॉली आर्क। अरे दो बंडल हो सकते हैं, बहुत सारे बंडल हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, सिंपल है एकदम, मतलब कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हो तो फाइनल नोट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो स्टेम का वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल ऑफ स्टेम, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल, कैम्बियम प्रेजेंट, याद है, ठीक, जाइलम प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, एक्सेप्शन था, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, एक्सेप्शन था कि सीव ट्यूब्स, कॉमा कर लेना, सीव ट्यूब्स एंड कंपेरियन सेल्स, आर एब्सेंट, लेकिन यह पूरे चीज देखो, फिर याद रखो, जाइलम में ट्रकीड्स प्रेजेंट रहेंगे और जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहेगा, लेकिन सीव ट्यूब फ्लोएम है ना, सीव ट्यूब फ्लोएम है ना, मतलब जाइलम में ट्रकीड्स प्रेजेंट रहेंगे और जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहेगा, वेसल्स एब्सेंट रहेंगे। एक और लिख लो, वेसल्स, ये मैं जाइलम में डाल दिया था इसको, जो सीव ट्यूब है, जब मैं सीव, जब फ्लोएम पढ़ा रहा था तब मैं बताया था, जो पुराने लोग होंगे अगर, कि जो सीव ट्यूब है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किसके, एंजियोस्पर्म के, कंपेनियन सेल्स भी एब्सेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यार एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हम्म,
सीव ट्यूब जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं, कंपेनियन सेल्स नहीं रहेंगे। थोड़ा सा चेंज कर लो, तभी तो बोल रहा हूँ मेरा असली में क्या मार्कर जहाँ से हिला ना, तो एक चीज़ समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं शुरू से सोच ही रहा था। वेजल्स जो हैं, वेजल्स एब्सेंट रहेंगे, अब आप देख सकते हो कि जो जाइलम और फ्लोयम है, ये जाइलम जो जाइलम है केवल जाइलम पैरेन्काइमा से मिलके बना रहेगा, और ट्रैकीज से मिलके बना रहेगा। वेजल्स जाइलम वेजल्स विल बी एब्सेंट। अब देखो फ्लोयम किससे मिलके बना रहेगा, सीव ट्यूब से, और फ्लोयम पैरेन्काइमा से। तो वेजल्स एब्सेंट रहेंगे और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या है, फ्लोयम जो है फ्लोयम फाइबर्स, फ्लोयम पैरेन्काइमा सीव ट्यूब से मिलके बना हुआ था, कंपेनियन सेल्स से एंजियोस्पर्म में मिलके बना रहता है, लेकिन कंपेनियन सेल्स जो है वो फ्लोयम में एब्सेंट रहेंगे। किसमें, जिम्नोस्पर्म में। और जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा ट्रैकीड्स और जाइलम वेजल्स प्रेजेंट है। वेजल्स क्या है, थोड़ा एडवांस्ड कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म के लिए, एडवांस्ड कैरेक्टर है जाइलम वेजल्स। लेकिन वेजल्स और कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म में किसके लिए एक्सेप्शंस होंगे, जिनेटल्स के लिए। बोला था ना वेल्वेशिया जिनेटम, ये सब में जिनेटल्स वाले एरिया में यह दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, तो ये एक्सेप्शन हो गया जिम्नोस्पर्म का। चलो थोड़ा सा रिकनेक्टिंग दिखा रहा है, ठीक। चलो तो आप देखो वैस्कुलर बंडल ओपन होने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, देखो साइकस में कुछ कुछ सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, वो जब हम साइकस पढ़ेंगे तो साइकस के समय देख पाएंगे, ठीक। अच्छा ये किस लिए हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। चलो 20वां पॉइंट देखते हैं। वो जो है वो मेनोजाइलिक हो सकता है और पिक्रोजाइलिक हो सकता है। याद है मेनोजाइलिक और पिग्नोजाइलिक हमने पिछले बार पढ़ा था,
पिट लार्ज प्रेजेंट रहेगा मोनोजाइलिक में, मेनोजाइलिक में, और पिट स्मॉल प्रेजेंट रहेगा पिकनोजाइलिक में। मोनोजाइलिक वुड में आपके कौन कौन से मेंबर आएंगे? लाइगनोप्टेरिस मेनोजाइलिक का रहेगा, याद है? लाइगनोप्टेरिस जो है वो किसमें? मेनोजाइलिक में आएगा। साइकस जो है वो भी आएगा, जैसे कि हम लोग साइकडेल्स पढ़े थे, बैनिटियल्स पढ़े थे, और टेरिडोस्पर्मेल्स पढ़े थे। और पिकनोजाइलिक में हम लोग ने कॉनिफरेल्स पढ़ा है, पिकनोजाइलिक वुड कॉनिफरेल्स में पाया जाएगा, जीनेटेल्स में पाया जाएगा, कॉर्डिटेल्स में पाया जाएगा। ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये वाला एक्सटिंक्ट विथ वन लिविंग स्पीशीज, कॉनिफरेल्स में एक्सटिंक्ट और लिविंग दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। पिकनोजाइलिक कॉनिफरेल्स, जेनेटेल्स, कॉर्डिटेल्स। गिंगुएल्स, जेनेटेल्स एडवांस है ना, गिंगुएल्स में, गिंगुएल जेनेटेल्स में लिविंग और एक्सटिंक्ट भी देखा गया, कॉनिफरेल्स में लिविंग और एक्सटिंक्ट, ये टोटली एक्सटिंक्ट स्पीशीज, और गिंगुएल्स में एक लिविंग प्रेजेंट है जिसका नाम है गिंगो पाइलोबा। सब लिव, सब एक्सटिंक्ट हो गए, बस केवल एक लिविंग बचा। चाइना उसका नेटिव प्लेस था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ चुका है। आपको छांटना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड इज मेनोजाइलिक और पिकनोजाइलिक, इस कारण से मैंने पहले से इसको बता दिया। ठीक, अरे यार उस समय बता देना था मेरे को लीफ का। मीजोफिल टिश्यू है लीफ में, मीजोफिल टिश्यू इन लीफ, डिफरेंशिएटेड होता है स्पॉन्जी टिश्यूज में और पैलिसाइड लेयर में। स्पॉन्जी और पैलिसाइड लेयर में इन पाइनस, लेकिन अनडिफरेंशिएटेड रहेगा इन साइकस। उल्टा हो गया, एक मिनट है। अनडिफरेंशिएटेड इन पाइनस और डिफरेंशिएटेड इन साइकस, मतलब मीजोफिल टिश्यू, पैलिसेड टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यूज में क्या होगा? डिफरेंशिएटेड रहेगा साइकस में और अनडिफरेंशिएटेड रहेगा पाइनस में। अच्छे से हम लोग पाइनस नीडल को पढ़ेंगे, अच्छे से हम लोग साइकस को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 22nd पॉइंट अभी बनाऊंगा तो फिर उस पर टाइम लग जाएगा।
इसको थोड़ा सही कर लेना, डिफरेंशिएटेड इन साइकस, अनडिफरेंशिएटेड इन पाइनस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाएगा, साइकस में कभी कभार बल्बिल, साइकस में बल्बिल का रिप्रोडक्शन देखने को मिला, ट्यूबरस स्ट्रक्चर, बल्बिल इज ट्यूबरेट, प्याज जो होता है वो बल्बिल स्ट्रक्चर है ना। देखते जाओ, एक 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 साथ बहुत सारी चीज़ों को निपटाते जा रहा हूँ मैं। हेट्रोस्पोरस रहेंगे, हेट्रोस्पोरस रहेंगे, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, ये दोनों ही, ये माइक्रोस्पोरोफिल में प्रेजेंट रहेगा और माइक्रोस्पोरोफिल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको स्ट्रॉबिलस या कोन बोलेंगे, ये हमको पहले से पता है। तो हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस हमने कुछ इस कुछ जीनस टाइडोफाइट्स में भी पड़ा हुआ था, याद है आप लोगों को, कई चीजें आपको रिपीट हो रही है, कई चीजें, बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है जो मैं आप लोगों को अलग से पढ़ा दिया हूं। मैं आपको कंपाइल करके दे रहा हूं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार जिम्नोस्पर्म के इतने सारे टॉप पॉइंट पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। ठीक, कॉन्स जो है आर मोनोस्पोरेंजिएट, मैक्सिमम आपको कॉन्स जो देखने को मिलेंगे वो मोनोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे, मतलब यूनिसेक्सुअल। कॉन्स जो है वो मोनोस्पोरेंजिएट देखने को मिलेंगे मतलब यूनिसेक्सुअल। कुछ स्पीसीज में बाइस्पोरेंजिएट देखने को मिले, इफेड्रा केयर, इफेड्रा में, इफेड्रा इंटरमीडिया, और इस मैं इफेड्रा पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा इसका थोड़ा डिटेल। ठीक है कन्हैया, सर आए क्या? जो मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम आर बॉर्न ऑन एडेक्सियल सरफेस, खुशबू मैडम पूछ रही थी, एडेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ, जो मेगा स्पोरेंजियम है लीफ के एडेक्सियल सरफेस में देखने को मिलेगा। ठीक,
एक चीज और ध्यान रख लो कि जो माइक्रोस्पोरोफिल जो रहेंगे वो विल बी सिमिलर टू फॉलिएज लीव्स, विल बी सिमिलर टू फॉलिएज लीफ मोस्टली. एग्जाम्पल के तौर में आप साइकस देख सकते हो, कितना सारा लीफ के बारे में बात हो रही है, अनडिफ्रेंशिएटेड इन पाइनस, डिफ्रेंशिएटेड इन साइकस. पाइनस नीडल में हम लोग देखेंगे, साइकस लीफलेट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मेसोफिल डिफरेंशिएटेड रहता है. तो माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो सिमिलर टू फोलियज लीफ दिखेगा साइकस में, जैसे लीफ है वैसे ही नॉर्मल माइक्रोस्पोरोफिल्स देखने को मिलेंगे. माइक्रो है कि मेगा है, मेगा कर लो, मेगा स्पोरोफिल्स सिमिलर दिखेंगे हमको साइकस में, इसको सही कर लो, मेगा स्पोरोफिल्स. माइक्रोस्पोरोफिल्स के बारे में आ रहा हूँ, कितना डिटेल बताऊंगा. मेगा स्पोरोफिल्स जो है वो सिमिलर रहेंगे फॉलियज लीफ की तरह. साइकस का एक एग्जांपल ले सकते हो, या फिर और क्वालाइन बेसल में प्रेजेंट रहेंगे, बेस पे प्रेजेंट रहेंगे मेगा स्पोरोफिल. स्पाइनस को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका कि जो इसका मेगा स्पोरोफिल है वह बेस पे दिखता है और क्वालाइन, अगर मैं एक ही चैप्टर में पूरा निपटा दूं तो कैसे होगा. पॉलिनेशन लिख लो, पॉलिनेशन लिख तो लिए. पॉलिनेशन इज एनिमोफिलस, पॉलिनेशन कैसा है, एनिमोफिलस विंड से थ्रू. फर्टिलाइजेशन जूडियो साइफोनोगैमी या सिफेनोगैमी, इसको मेगा स्पोरोफिल कर लेना, माइक्रोस्पोरोफिल नहीं. अरे कभी कभार मैं भी स्विच हुआ हूँ ना, असली में एक्चुअल है, मैं सेलोगलेस पढ़ा था, अचानक से जिम्नोस्पर्म में आ गया तुरंत. जर्मिनेशन कैसा होगा, एंडोस्पोरिक इज एंडोस्पोरिक. जर्मिनेशन इज एंडोस्पोरिक. ठीक, पॉली एम्ब्रियोन इज सीन, मतलब एक फीमेल गैमेटोफाइट में बहुत सारे जाइगोट्स
और एम्ब्रियोज बहुत सारे रहेंगे, पॉली एम्ब्रियो नहीं मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट रहेंगे इन फीमेल गैमेटोफाइट, मोर देन वन, मोर देन टू। फिर आप देख सकते हो नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स, नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स इज वन और टू इन साइकस, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, और मैनी इन पाइनस, मैनी इन पाइनस। कॉटिलीडॉन्स वन और टू इन साइकस, और बहुत सारे कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट रहेंगे पाइनस में, डिटेल में हम लोग पाइनस में देखेंगे। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट, याद है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है इनका। अब कॉटिलीडॉन्स किस में होंगे, सीड में होंगे, कॉटिलीडॉन्स किस में होंगे, सीड में, ये इंपॉर्टेंट है, मैनी कॉटिलीडॉन्स इन पाइनस ये आता है। चलो थोड़ा सा पॉलन ग्रेन्स के बारे में देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स, पाइनस में देख लेते हैं सबसे पहले। पाइनस का जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहता है, ये मैक्सिमम हो गया, और बताते जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होता है, ये बहुत थोड़ा खासियत इसकी है, यह विंग शेप्ड का रहता है। तो विंग शेप्ड पॉलन ग्रेन्स इज प्रेजेंट इन पाइनस, विंग शेप्ड पॉलन ग्रेन इज प्रेजेंट इन पाइनस। देखो नॉर्मली अगर पॉलन ग्रेन की बात करें तो हमको दो स्ट्रक्चर देखते हैं, जो इनर स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोला जाता है, इंटाइन। इनर स्ट्रक्चर क्या, अब नहीं होगा थ्योरी, टेंशन मतलब, अरे वो पूरा पॉइंट्स को एक साथ करवाने थे इस कारण से मैं पॉइंट्स इतने सारे खींच दिया। ठीक, तो दो स्ट्रक्चर हम लोग को पॉलन ग्रेन्स में देखने को मिलते हैं। तो पॉलन ग्रेन का आउटर वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एग्जाइम, इनर वाला स्ट्रक्चर इंटाइम, ऐसा ही होता है। लेकिन पाइनस में क्या होता है, पाइनस के पॉलन ग्रेन में क्या होता है कि जो एग्जाइम होता है वो थोड़ा सा लैटरली प्लेस्ड हो जाता है और विंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। तो टू विंग्स हम लोग को देखने को मिलते हैं पाइनस में के पॉलन ग्रेन्स में, क्यों, विंग्स किसका पार्ट है, एग्जाइन का पार्ट है। एग्जाइन ने क्या किया है, थोड़ा सा विंग शेप्ड स्ट्रक्चर इसलिए बना दिया। पॉलन ग्रेन्स किसका, पाइनस का विंग शेप्ड स्ट्रक्चर
is found in innermost layer intyme, exyme. विंग का जो एरिया रहता है वो ए सेलुलर रहता है, याद रखे रहना, इट्स ए सेलुलर. एक काम करते हैं, इसको खाली ही कर देते हैं. इट्स ए सेलुलर, तो याद रहेगा आपको. ए सेलुलर टाइप ऑफ विंग इज प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस. टू विंग्स प्रेजेंट, जो विंग्स है वो एक्सटेंशन है किसका, वो विंग्स एक्सटेंशन है किसका, एग्जाइन का. ठीक, बना लिए. देखो पाइनस का ही बताता, पाइनस में हमने देखा कि लॉन्ग शूट और शॉर्ट शूट प्रेजेंट रहते हैं. लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट प्रेजेंट रहेंगे पाइनस में. पाइनस लिख लो ना ऊपर थोड़ा सा. पाइनस में लॉन्ग शूट प्रेजेंट रहेगा और ड्वार्फ शूट प्रेजेंट रहेगा. ठीक, तो लॉन्ग शूट में ये देखो, मान के चलो ये लॉन्ग शूट है. ठीक, लॉन्ग शूट के ऊपर में बेहतरीन तरीके से हमको माइक्रोस्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट देखने को बढ़िया से, मैं एक ही बना रहा हूँ, ऐसा माइक्रोस्पोरोफिल्स ऐसा कोन फॉर्म में, ऐसे कोन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. ये एक सिंगल यूनिट क्या है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है. ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कोन है. वो पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कोन. अब जब इसका कोन का मैं एलएस निकालूंगा तो अरेंजमेंट दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि जो अरेंजमेंट है इस कोन का, देखो ये कोन कैसे अरेंज है. माइक्रोस्पोरोफिल्स इस तरह से, अब इस माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे. ये इस तरह से ऐसे अरेंज रहते हैं. ठीक, अगर मैं इस कोन का एलएस निकालूं, इसी कोन का मैं एलएस निकाल रहा हूं. अरेंजमेंट देखो बहुत गजब का. तो अगर
कोई कीड़ा नहीं है। अच्छे से फाइनेंस बनाऊंगा तो पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बनाऊंगा, निश्चिंत रहो। तो कौन का मैं आपको स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा स्ट्रक्चर ठीक है। तो मैं कौन में देखूंगा तो कौन मेरे को एक एक्सेस दिखेगा जिसको अपन लोग कौन एक्सेस बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, कौन एक्सेस। एक एक्सिस से बाकी माइक्रोस्पोरोफिल्स, ये सब क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स। अरे इसका एलएस किया हूं मैं, इसका एलएस करूंगा तो ये सब माइक्रोस्पोरोफिल्स रहेंगे और इस माइक्रोस्पोरोफिल्स में, इस माइक्रोस्पोरोफिल्स में हमको माइक्रोस्पोर्स अटैच मिलेंगे, इतना तो पता है हम लोग को ना। इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, माइक्रोस्पोर्स। आप अरेंजमेंट देख सकते हो कि कैसा कोन है और कोन में किस तरह से माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड है। तो विंग शेप्ड पॉलन ग्रेन इज प्रेजेंट इन पॉलन पाइनस। तो ऐसा कुछ कोन शेप्ड एकदम खतरनाक टाइप का दिख रहा है ना। माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। अच्छा ये बताइए, चलो कौन है, अलका मैडम है, ये जो माइक्रोस्पोर्स है, ये माइक्रोस्पोर्स इस राउंड वाले स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, अलका मैडम, मधु मैडम, जो भी हो बताओ। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे जिसमें माइक्रोस्पोरस फिल्म में माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे जिसमें माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक बोल रहे मैडम, इसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर फिल्म में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स। चलो अच्छी बात, इसका जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है वो रफली ट्रायंगुलर इन शेप दिख रहा है। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो ट्रायंगुलर इन शेप दिख रहा है। थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप का दिखता है। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूं माइक्रोस्पोरोफिल को तो मेरे को कुछ ऐसा एपिकल पार्ट देखने को मिलेगा। है ना, ऐसा एपिकल पार्ट देखने को मिलेगा
ये जो एपिकल पार्ट रहेगा ये स्टेराइल स्ट्रक्चर रहेगा। इस स्टेराइल स्ट्रक्चर को बोला जाएगा एपोफाइसिस। ठीक, तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ऐसा कुछ रहेगा। ठीक, इसका एपिकल पार्ट एक माइक्रोस्पोरोफिल को बड़ा करके देखने की कोशिश कर रहा हूं। एपिकल पार्ट थोड़ा सा कोन टाइप का स्टराइल शेप कॉल्ड एस एपोफाइसिस। उसके बाद दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया में ऐसे लाइन दिख रहा है, वहीं से वो फटेंगे और क्या निकलेगा, पॉलन ग्रेन्स, यहीं से वो फटेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ डाइहेंस। और स्टॉल स्ट्रक्चर रहेगा। तो माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, स्टॉल स्ट्रक्चर है, एपिकल पार्ट इसका स्ट्राइल एपोफाइसिस है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, लाइन ऑफ डाइहेंस आप देख सकते हो। ठीक, अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखूंगा, अगर मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोर्स किस तरह से अरेंज रहते हैं। एक एग्जांपल ले लिया मैंने पाइनस, और कुछ नहीं किया है ना। इसमें जो स्ट्रक्चर है एक सैक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा जिसको अपन बोलेंगे पॉलन सैक, और इस पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। और ये पॉलन ग्रेन्स कैसे, ये आपको इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं एक ब्राउन स्ट्रक्चर भेजा था, याद है, ब्राउन स्ट्रक्चर पाइनस है बोल रहा था उस वीडियो में। ये ब्राउन स्ट्रक्चर यही है, ब्राउन स्ट्रक्चर जो है वो यही है। इस माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो इस तरह से अरेंज रहेंगे। पाइनस के केस में बात किया, विंग शेप स्ट्रक्चर है ना, फिर बनाऊंगा मैं पाइनस में, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखे रहना कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की पॉलन ग्रेन्स की बात नहीं हुई थी हमारी। बना लो जल्दी,
चलो 10 मिनट और, उसके बाद चलते हैं। ठीक, साइकस का कौन देखने की कोशिश करेंगे, मेल कौन, साइकस का मेल कौन, देखो मैं आपको ओव्यूल बता दिया बहुत सारा, तो कौन भी बता देता हूँ साथ साथ, थोड़ा सा जल्दी चल रहा है, मेरे को पता है कि इसको थोड़ा बाद में और रिपीट करना पड़ेगा। ये देखो साइकस का कौन कैसा अरेंजमेंट रहता है उसको अपन लोग देखेंगे। साइकस का कौन माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज रहेंगे और क्या बनाएंगे, कौन इस तरह से, ये सब माइक्रोस्पोरोफिल है। इस तरह से यह पूरी तरह ऐसे अरेंज्ड स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। आप देख सक रहे थे कि जो वो साइकस का स्टेम के ऊपर कोन था ना, वही कोन को मैं बताया था, जो उसी कोन को बनाते जा रहा थक गए, यहाँ दो दो घंटा क्लास लेते थे। ठीक है, तो स्पाइरल अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। देखो ये जो कोन है ये अपेक्स ऑफ स्टेम में, स्टेम के अपेक्स में ग्रो करता है, डेवलप्ड एट स्टेम अपेक्स। आप देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में कैसा अरेंजमेंट है, उस समय आप लोग शूट अपेक्स में, शूट लॉन्ग शूट के ऊपर देखें अरेंजमेंट कैसा हुआ, डेवलप्ड एट अपेक्स ऑफ द स्टेम। ठीक, देखो ये जो है ना, ये लीफ जो है, ये लीफ ऐसा से रहते हैं फिलहाल, अभी ऐसा बना लो, बाद में लीफ बनाएंगे अच्छे से। तो ये जो कोन है ये स्टेम के अपेक्स में इस तरह से साइकस में अरेंज रहेगा। आप देखे थे उसको, लीफ स्कार भी दिख रहा था, इस कारण से ये क्राउन रहता है अपने लीफ से, क्राउन ऑफ फॉलिएज लीफ, फॉलिएज लीफ से, ग्रीन कलर देखे थे ना अपन लीफ का, इसलिए फॉलिएज लीफ रहेगा। स्केली लीफ इफेड्रा, ओनली स्केली लीफ इफेड्रा, तो क्राउन बाय फॉलिएज लीफ। मेल कोन डेवलप्स एट अपेक्स ऑफ द स्टेम इन साइकस,
क्राउन्ड बाय फॉलिएज लीफ, अगर मैं इसका एल एस लूं, नहीं सर ऐसा बोल रहे हैं कई लोग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत ज्यादा ही जनरल हो गया है। तो आप इसको साइक्लोस्कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ इस तरह से अरेंज्ड देखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से अरेंज्ड रहेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से इसको साइकल्स में आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग चीजों को याद रखते जाओ। ठीक, अब देखो डिफरेंस, यहां पे ब्रैक्ट प्रेजेंट रहेंगे, ब्रैक्ट समझते हो ना, लीफ के पास स्टिप्यूल उससे कवर्ड रहता है जो स्टेम का, ब्रैक्ट याद है, ब्रैक्ट प्रेजेंट रहेगा और स्टॉल्ट रहेंगे। कौन का अरेंजमेंट देखते जाओ, लॉन्ग शूट के ऊपर देखो कैसे अपेक्स का है, उसके बाद एक क्राउन शेप कितना अच्छा दिखता होगा, बहुत अच्छा दिखता होगा, नहीं बहुत अच्छा ही दिखता है, सही में अच्छा दिखता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपके मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहेंगे, पॉलन इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये बीच वाला जो है वो एक्सिस है, कोन एक्सिस, क्या है कोन एक्सिस। अरेंजमेंट देखो कितना प्यारा है, ब्रैक्स, स्टार स्ट्रक्चर, देखो अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल देखूं, अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल देखूं
ठीक, थोड़ा सा वेज शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, कैसा रहता है वेज शेप स्ट्रक्चर। एक काम करते हैं, वेज शेप ऐसा अच्छे से दिख जाएगा, इसको अपन लोग टेढ़ा बना देते हैं ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है लकड़ी टाइप का दिख रहा है ना, थोड़ा सा कटा हुआ, इसको अपन लोग बोलते हैं वेज शेप्ड स्ट्रक्चर। एक माइक्रोस्पोरोफिल, और एक माइक्रोस्पोरोफिल में, एक माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे एबैक्सियल सरफेस पे, इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया के ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे। ये मैं आपको ऐसा ही बना के दिखा रहा हूँ, माइक्रोस्पोरेंजिया के ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे। इस ग्रुप को बोला जाएगा, जो पढ़े हुए टाइडोफाइट्स उनको पता है, एबैक्सियल सरफेस पे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो प्रेजेंट रहता है वो एबैक्सियल इन पोजीशन रहेगा, और इन ग्रुप्स को बोला जाएगा सोराई। इन ग्रुप्स को क्या बोला जाएगा, सोराई। वेज शेप्ड स्ट्रक्चर एबैक्सियल पोर्शन को शो कर रहा है माइक्रोस्पोरोफिल को, वेज शेप स्ट्रक्चर। ठीक, सिंगुलर है ना, सोरस प्लूरल हो जाएगा। तो स्पोरेंज, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो 700 से 1000 ग्रुप में एक ग्रुप बनाएंगे माइक्रोस्पोरोफिल में, और इनको अपन क्या बोलेंगे, सोरस, सिंगुलर इज सोराई। यहाँ पे मैं एक लिया हूँ इसलिए सोराई लिख दिया, समझ रहे, बहुत सारे ऐसे सोरस प्रेजेंट रहेंगे। यह एबैक्सियल सरफेस हुआ। अगर ऊपर से स्ट्रक्चर देखा जाए, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वह नीचे ही प्रेजेंट रहेगा एबैक्सियल में, इस चीज़ को ध्यान पर रखे रहना। अगर मैं इसका पोजीशन को और थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा तो स्ट्रक्चर केवल पाइनस जैसा ही है, तो स्ट्रक्चर जो है वो पाइनस जैसा ही है। थ्योरी अपन लोग साइकस पढ़ेंगे तब लिखेंगे अच्छे से, निश्चिंत रहो ना, समझते जाओ बस। ठीक, देखो ये एपिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एपोफाइसिस, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया। स्टॉल्ड स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखो मेल गैमेट्स इसमें कैसे रहेंगे, मेल गैमेट जो रहेगा वो भौरे की तरह रहेगा, जो मेल गैमेट्स रहेगा वो भौरे की तरह रहेगा। ये देखो भौरा जानते हो ना, टॉप शेप्ड, ठीक, और इसमें बहुत सारे फ्लैजिला अटैच्ड रहेंगे।
बहुत सारे फ्लैजिला अटैच रहेंगे इसके मेल गैमेट्स में। मेल गैमेट कैसा है इसका? टॉप शेप्ड स्ट्रक्चर। मेल गैमेट्स एक एंथ्रेजॉइड्स में मल्टी फ्लैजिलेट रहेंगे, मल्टी सीलिएट लिख दो, सीलिएटेड, मल्टी सीलिएटेड स्ट्रक्चर, टॉप शेप्ड। मेल गैमेट्स में कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं इसलिए नेकेड। मेल गैमेट्स में कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है इस कारण से नेकेड स्ट्रक्चर। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये जो मेल गैमेट्स है ये फर्टिलाइजेशन जूडियोसिफेनोगैमी करेंगे कि साइफेनोगैमी करेंगे? चलो बताओ, जूडियोसाइफेनोगैमी करेंगे कि साइफेनोगैमी करेंगे? बताओगे तभी मैं क्लास छोड़ूंगा। चलो बताओ मधु मैडम। हाँ बिल्कुल बढ़िया, अलका मैडम को बिल्कुल चीज समझ में आ रही है। अब देखो ये माइक्रो मेल गैमेट्स है मोटाइल इन साइकस। ठीक ठीक बहुत बढ़िया, मोटाइल है साइकस में लेकिन पाइनस में नॉन मोटाइल है। ये पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे, डेवलप होने के बाद रिलीज होंगे, है ना? तो इस डेवलपमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के स्टेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के स्टेजेस हैं। देखो ध्यान रखे रहना कि साइकस में मेल गैमेट्स मोटाइल रहेगा और गिंगो में मेल गैमेट्स मोटाइल रहेगा, याद रखे ना? जो मेल गैमेट्स मोटाइल रहेगा लिख के रख लो, साइकस और गिंगो में मोटाइल रहेगा मतलब सीलिएटेड स्ट्रक्चर इन दोनों में ही रहने हैं। अब देखो ये ये जो मेल गैमेट्स है ये जो माइक्रोस्पोर्स है वो रिलीज होंगे ना, तो डेवलपमेंट होगा इनका, डेवलपमेंट होगा ना, डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट होते होते तो किस स्टेज में यह रिलीज होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो जो साइकस का मेल गैमेट है, जो साइकस का मेल गैमेट है, कहाँ पे चार्ट बनाऊँ? यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे अच्छा है। तो साइकस का मेल गैमेट, पाइनस का मेल गैमेट और इफेड्रा, यही इंपॉर्टेंट है। तो साइकस का थ्री सेल्ड स्टेज में, साइकस में माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स आर लिबरेटेड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेल गैमेटोफाइट। साइकस में थ्री सेल्ड, पाइनस में फोर सेल्ड स्टेज और इफेड्रा में फाइव सेल स्टेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस चार्ट को अच्छे से ध्यान पे रखोगे।
ठीक, तो कुछ मेल कोन्स के बारे में बताया आप लोगों को कि किस तरह से मेल कोन्स रहते हैं, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता चुका हूँ, इंडिविजुअल ग्रुप्स में हम लोग इंडिविजुअल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट आपको गूगल मीट पर बात कर लेते हैं, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। तो जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। आप लोग जिस बुक से पढ़ते हैं, वशिष्ठ से पढ़ते हैं, युगबोध से पढ़ते हैं, यूनिफाइड की बुक से पढ़ते हैं, या फिर सी पांडेजैन की बुक से पढ़ते हैं, सी पांडेजैन की बुक में पूरा अच्छे से दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ आइडिया आपको मिलता जाएगा कि जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में क्या क्या होते हैं। देखो ओव्यूल का जितना भी स्ट्रक्चर है, इंटेग्यूमेंट्स है ना, खुद ओव्यूल, ये कुछ कुछ डेवलपमेंट शो करते हैं अलग अलग सीड में, उसको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उससे आप निश्चिंत रहो। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैं आप लोगों को जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में कवर करा दिया हूँ, ठीक। अब हम लोग कल क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, एकदम सिंपल है। आपको पिग्नोजालिक और मेनोजालिक बस याद रख रहे ना, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए, लेकिन हम लोग मेन क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, बाकी उन क्लासिफिकेशन जो अलग अलग साइंटिस्ट के हैं वो अलग अलग आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म को यही स्टॉप करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी है, मैक्सिमम चीज़ें है ना, एक दो पॉइंट छूटे वो इंडिविजुअल ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे, है ना। तो 5 मिनट आप सभी जितने लोग जुड़े हैं वो गूगल मीट में आप आइए, ठीक। थोड़ा सा मैं आप लोग से पूछ भी लेता हूँ कि कहाँ तक क्या स्थिति है, उसके बाद अपन लोग एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आपको आइडिया हो गया, साइकस और पाइनस का तो आइडिया हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग देखते हैं, ठीक, धन्यवाद।